आज मैं बनाऊंगी तंदूरी रोटी और क्रीमी गार्लिक मशरूम। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मशरूम बनाएंगे। उसके लिए मैंने पैन में पानी डाल के गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और जब ये पानी हल्का सा उबलना, गर्म होना स्टार्ट हो जाए, फिर हमको इसमें मशरूम डाल देना है। तो देखिए, पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग इसमें मशरूम डाल देंगे और 1-2 मिनट तक हमको इसको बॉईल करना है। तो क्रीमी गार्लिक मशरूम बनाने के लिए हमको मशरूम को 1-2 मिनट के लिए बॉईल करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि ये जल्दी पक जाते हैं। देखिए, बॉईल हो रहा है, 1-2 मिनट हो गए हैं। अब हम लोग इसको एक छन्नी में छान लेते हैं। और इसी सेम पैन को मैंने फिर से आँच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और इसमें अब मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया इसमें। और जब ये गर्म हो जाए, फिर हमको इसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन डालना है, जिसको मैंने कूट लिया है। आप चाहे तो फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। देखिए, इसको हल्का सा हम लोग चला देते हैं। और अब इसमें हम लोग को मशरूम ऐड कर देना है। और लहसुन और मशरूम को हमको अच्छे से भून लेना है तेल में। तो देखिए, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। और साथ ही हम लोग यहाँ पे नमक ऐड कर देते हैं, जिससे कि मशरूम और लहसुन अच्छे से पक जाए और जले भी नहीं, क्योंकि नमक डालने से थोड़ा मॉइस्चर रिलीज होने लगता है, तो उसे जलती नहीं है कोई भी चीज़। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पे प्रोसेस चीज़ यूज़ करेंगे, 1.5 चम्मच छोटे। तो ये इजीली सुपरमार्केट में या कहीं भी इजीली मिल जाते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग हल्का सा फिर से चला लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालते हैं, जिससे कि थोड़ी ग्रेवी की तरह बन जाए और क्रीम अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए चीज़। देखिए, जब तक ये मेल्ट हो रहा है, फिर हम लोग इसमें चिली फ्लेक डाल देते हैं। और साथ ही 1 बड़ा चम्मच क्रीम डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने 1 बड़ा चम्मच क्रीम डाल दिया है। और इसको एक इसको अब बॉयल आने तक उबलने देते हैं। देखिए, ये उबल रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पे अब हम लोग ऑरिगेनो डाल देंगे। ये भी इजीली हर जगह अवेलेबल है। इसको डालने से मशरूम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और बहुत ही अच्छा अरोमा भी आता है मशरूम में से। तो ये देखिए, अब ये बन के तैयार है। हम लोग इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है मशरूम की। तो अब आइए, एक नान बनाने के लिए, तंदूरी रोटी बनाने के लिए हम लोग एक बर्तन में 2 कटोरी मैदा ले लेते हैं। और इसमें मैदे के बीच में हम लोग को थोड़ा सा जगह बनाना है। और वहाँ पे हम लोग 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बेकिंग पाउडर के जगह आप इनो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी। और 2 कटोरी मैदा के लिए मैंने 1/2 कटोरी दही लिया है। लेकिन ये दही सारे मैं एक बार में ही नहीं डाल दूँगी, 2 बार में डालूँगी। पहले थोड़ा सा आधा दही डाल के मिला लेती हूँ, फिर बचे हुए जो दही है उसको डाल दूंगी। तो देखिए, इसे ऐसा करने से अंदाज भी लग जाता है कि हमारे मैदे में पूरा उतना दही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये देखिए, बचे हुए दही भी मैंने डाल दिए हैं। और अब आटे को अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे कि नमक चीनी सब आपस में बहुत अच्छे से मिल जाए। देखिए, इसको बहुत ही अच्छे से मिलाना है, जिससे कि आटे मैदे में सब जगह नमक और चीनी एक सार फैल जाए।
तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंथ लूँगी। देखिए रोटी या तंदूरी रोटी या नान कुछ भी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको आटे को बहुत ही अच्छे से गूंथना है। जितना अच्छे से आटा गूंथा जाएगा रोटी उतनी ही सॉफ्ट और उतनी ही अच्छी बनती है। यहाँ देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा सॉफ्ट आटा ही रख रही हूँ क्योंकि अभी अब थोड़ा सा इसको हम लोग को रखना है फर्मेंट होने के लिए। तो देखिए सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार है, अब इसको हम लोग को ढक के 1 घंटे के लिए रख देना है। तो ये देखिए 1 घंटे बाद आटा कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा फर्मेंट हुआ और देखिए बहुत ही सही है, एकदम चिपचिपा भी नहीं है। लेकिन अभी इसको हम लोग को थोड़ा सा मैदा और डाल के तंदूरी रोटी बनाने लायक गूँथ लेना है क्योंकि इतना सॉफ्ट आटे से तंदूरी रोटी बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा मैदा डाल के इसको अच्छे से गूँथ लेते हैं। देखिए ये गूँथ के तैयार है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लोई ले लेते हैं, लगभग 1 नींबू के साइज़ का, और इसको चकले पे अच्छे से हाथों से थोड़ा सा फैला लेते हैं प्रेस करके, और फिर इसको हमको बेलना है। देखिए इसमें थोड़ा मैदा भी अच्छे से लगा लेते हैं जिससे ये चिपके नहीं, और साथ ही हम लोग एक वो जो तवा है उसको गर्म होने के लिए हम लोग ने रख दिया है। ये देखिए बन के तैयार है। हम लोग को इस पर पानी लगाना है, पानी लगाने से रोटी तवे पे चिपकी रहती है तो हमको चिपकाना ही है रोटी को तवे पे। तो ये देखिए पानी वाला जो पोर्शन है उसको हमको तवे के साइड पे रखना है। और देखिए जब ये छोटे छोटे बबल्स आने लगे तो इसका मतलब है कि रोटी लगभग तैयार है। जब अच्छे से बबल्स आ जाएं फिर हमको इसको पलट के आँच पे सेकना है। तो देखिए जब भी आप तंदूरी रोटी बनाएं तो नॉन स्टिक पैन ना यूज़ करें, नहीं तो उसकी कोटिंग ख़राब हो जाती है क्योंकि हमको इसको आँच पे ऐसे सेकना रहता है। तो ऐसे तवे ही लें जिसको हम लोग आँच पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे लोहे के या फिर किसी और मटेरियल के। तो देखिए अगर आपको कच्ची लगे तो आप घुमा घुमा के सेक सकते हैं। तो ये देखिए ये तंदूरी रोटी बन के तैयार है। आइए उसी तरह एक और बना लेते हैं। ये इस पे भी सेम प्रोसेस, पानी लगा के चिपका देना है और जब बबल्स आए तो हमको इसको सेक लेना है आँच पे। तो ये देखिए बन के तैयार है। देखिए पीछे से भी सिक गई है, और अगर आपको लगे कि आपकी तंदूरी रोटी थोड़ी सी कच्ची रह गई है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको आँच पे भी सेक सकते हैं, इससे उसके टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो देखिए इसको आँच पे अच्छे से रख के आप अच्छे से सेक सकते हैं, और हम लोग इस पे अब बटर लगाएंगे और हमारी ये तंदूरी रोटी पूरी तरीके से बन के तैयार है। तो देखिए इस पे अच्छे से हम लोग बटर लगा लेते हैं। तो देखिए हमारी तंदूरी रोटी पूरी तरीके से बन के तैयार है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।